अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं शुगर या डायबिटीज में जो गलत धारणाएं चलती हैं, मिथ्स चलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चलती हैं, जो इंटरनेट पे हर जगह देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके गलत धारणाओं को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि अगर उनको इंसुलिन शुरू हो गई एक बार तो फिर वो बंद नहीं होगी, और कई लोगों को लगता है कि इंसुलिन से शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है डायबिटीज के मैनेजमेंट में। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डायबिटीज के मैनेजमेंट में आपकी इंसुलिन शुरू हो जाती है तो वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी हाई शुगर लेवल को आपके खून से आपके सेल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाती, इसलिए शुगर आपके खून में ही घूमती रहती है। इस शुगर को खून से सेल्स में ले जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो डायबिटीज में या तो आपका इंसुलिन शरीर में नहीं बन रहा या कम बन रहा है, या फिर इंसुलिन का ये जो काम है कि खून से शुगर को सेल्स में ले जाना, उसकी एक्टिविटी सेंसिटिविटी कम हो गई है, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों कारणों की वजह से डायबिटीज होता है, इसीलिए दवाइयां और इंसुलिन दी जाती हैं जिनसे कि इन दोनों में से जो भी काम खराब हो रहा है उसमें मदद मिले और शुगर जो है खून में घूमने की जगह सेल्स में जाए जहां यूज हो और आपको प्रॉपर ताकत मिले, क्योंकि ताकत भी ग्लूकोज से मिलती है। तो दोस्तों, इंसुलिन लेने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, बहुत ज्यादा शुगर खाएंगे और इंसुलिन लेते जाएंगे तो ये जरूर होगा कि बहुत ज्यादा शुगर भी आपके खून से शरीर में चले जाएगी, और ज्यादा शुगर का बॉडी कुछ नहीं करती, उसे स्टोर करती है, फैट बनाती है और आप मोटे होते जाएंगे। तो इंसुलिन की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप ज्यादा खा रहे हैं। इंसुलिन ने जो काम करना चाहिए वो इंसुलिन कर रही है। तो इंसुलिन नुकसानदायक नहीं होती, इंसुलिन का एक काम है, वो अपना काम करती है, और ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार शुरू कर दी तो खत्म नहीं होगी, इंसुलिन बंद नहीं होगी। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर डाइट लेते हैं, छोटी छोटे मील्स लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल और सारे गलत काम बंद करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी शुगर लेवल ऑटोमेटिकली, आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, शुगर लेवल्स कंट्रोल आते जाएंगे और इंसुलिन धीरे धीरे हम बंद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, कई लोगों में इंसुलिन नहीं भी बंद होती, उसके लिए फिर बैकग्राउंड में कोई ना कोई दूसरा रीजन होता है, और खासकर टाइप 1 डायबिटीज जो होते हैं जिसमें कि इंसुलिन नहीं बना पाता है शरीर और पैंक्रियास खराब हो चुके हैं, सिर्फ उस केस में इंसुलिन नहीं बंद होती और उस केस में आपको जिंदगी भर इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि किस प्रकार की डायबिटीज है आपको, और उसमें ये सब चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपको फायदा दोनों ही तरीके के डायबिटीज में जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, कल मिलते हैं, एक और डायबिटीज के मिथ को क्लियर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।